bismillahir rahman rahim dear students today we are going to study the charles law charles law was presented by Jakes charles in 1787 it shows the relationship between temperature and volume means ke टेम्परेचर और वॉल्यूम आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ता है और टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ता है दिस विल बी डिस्कस्ड इन दिस लॉ डिफिनीशन नंबर वन हम चार्ल्स लॉ को तीन तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं इनमें से फर्स्ट डिफिनीशन है जो बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है वो ये है एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी अगर किसी गैस के ऊपर प्रेशर कांस्टेंट रहे और उनकी कोई फिक्स्ड मास या फिक्स्ड अमाउंट लिया जाए तो उसका वॉल्यूम एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मींस कि अगर उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है और अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाए तो वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो, तो हो जाता है मैथमेटिकली वी एज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फ़ प्रर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कॉन्सटेंट यानी अगर टेम्परेच प्रेशर uh, को कॉन्सेंट रखा जाए नंबर ऑफ मोल्स भी कॉन्सटेंट हो, यानी अमाउंट कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वी इज़ इक्वल टू के टी प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो इक्वल टू और एक कांस्टेंट लगाते हैं इसलिए वी इज इक्वल टू के टी वेयर के इज प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो देन वी डिवाइड बाई टी बिकम्स इक्वल टू कांस्टेंट दिस इज और इक्वेशन नंबर वन तो इस इक्वेशन की मदद से हम चार्ल्स लाख को एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं डिफिनेशन नंबर टू इट स्टेट्स द रेशो बिटवीन द वॉल्यूम एंड एप्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गेस इज ऑलवेज अ अंस्टेंट क्वान्टिटी दिस मीन्स दैट इफ

किसी भी दो स्टेट्स में गैसेस का जितना वॉल्यूम होता है और उनका टेम्परेचर होता है दो स्टेट्स के अंदर हम इनको आपस में इंटररिलेट कर सकते हैं सपोज़ दैट द टेम्परेचर ऑफ़ अ गैस इज़ इंक्रीज फ्राम टी वन टू टी टू इट्स वॉल्यूम इंक्रीजिज़ फ्राम वी वन टू वी टू

टू ये हमारा इक्वेशन नंबर टू है जिसको हम किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम दो वेरिएबल्स को जिनमें से एक वॉल्यूम है और दूसरा टेम्परेचर है इनको अगर हम एक ग्राफ के ऊपर शो करें तो ये ग्राफ किस तरह से बनेगा हम वाई एक्सिस पर वॉल्यूम शो करेंगे जो कि डेसीमीटर क्यूब्स में होगा या सेंटीमीटर क्यूब्स में होगा या मीटर क्यूब्स में होगा जबकि टेम्परेचर हम शो करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर और इसको हम लेते हैं केलवन में तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते चले जाते हैं उसके साथ साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज होता चला जाता है अगर यहाँ पर T1 हो तो यहाँ वॉल्यूम V1 होगा अगर टेम्परेचर T2 हो तो वॉल्यूम V2 होगा अगर टेम्परेचर T3 हो जाए तो वॉल्यूम V3 हो जाएगा एंड सो ऑन तो इसलिए हम पहला डॉट यहाँ पर सेकेंड डॉट थर्ड डॉट फोर्थ और फिफ्थ डॉट एंड डॉट्स को जब आपस में मिलाते हैं तो इससे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हासिल होता है इस ग्राफ को आइसो बार कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड आइसो बार क्योंकि इट इज़ अपड एट कांस्टेंट प्रेशर इसको हमने जब बनाया है तो कांस्टेंट प्रेशर पे बनाया है ऐसी चीज़ को या ऐसे ग्राफ्स को आइसो बार्स कहते हैं इफ़ेक्ट आफ प्र आइसोबार्स अब जो आइसोबार्स हमने ऊपर हासिल किए हैं बाय मेकिंग अ ग्राफ इनके ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है मींस कि हमने तो यहाँ पर प्रेशर को कांस्टेंट रखा था और ये एक्सपेरिमेंट किया था अब अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें तो फिर इस ग्राफ का लेवल नीचे आता है या ऊपर चला जाता है द स्लोप ऑफ़ आइसो बार्स फॉल्स ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर इसका मतलब है कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो इस आइसोबार बार का स्लोप डाउन आएगा यानी नीचे आएगा तो इसमें इस ग्राफ के अंदर आपको ये नज़र आता है कि हम टेम्परेचर और वॉल्यूम को जब प्लाट करते हैं तो अगर फर्ज़ करो हमारा प्रेशर वन ए टी एम के बराबर हो वन एटमोसफेयर हो तो ग्राफ़ यूँ आता है जिसका स्लोप काफ़ी ज़्यादा है अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं और टू एटमॉस्फेयर कर लेते हैं तो ग्राफ़ नीचे आने लगता है इसी तरह से अगर हम इसको थ्री एटमोसफेयर कर लेते हैं तो ये ग्राफ मज़ीद नीचे आ जाता है इस तरह से हाई प्रेशर्स पर ग्राफ लोअर साइड पे रहता है और लोड प्रेशर के ऊपर ये अपर रहता है क्वांटिटेटिव डिफिनीशन ये थर्ड डिफिनीशन है जिसको कहते हैं क्वांटिटेटिव डिफिनीशन क्वांटिटेटिव से ये मुराद है कि पिछले डिफिनीशन में हमने सिर्फ़ ये पढ़ा था टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है और टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम होता है लेकिन अब मसलन एक डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम कितने डिग्रीज़ या कितने सेंटीमीटर क्यूब्स या कितने मीटर क्यूब्स बढ़ता है और वन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कितना कम हो जाता है इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव डिफिनेशन इसी से हम डिराइव करते हैं डिराइवेशन ऑफ क्रिटिकल क्रिटिकल फॉर्म ऑफ लॉ दिस स्टेट्स एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीज़ बाई वन ओवर टू सेवेंटी थ्री ऑफ़ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट ज़ीरो डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी वन डिग्री सी राइज आर फॉल इन टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली इसका मतलब है कि सपोज कर लें किसी का टेम्परेच वॉल्यूम जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर वी नॉट है तो अगर इसका टेम्परेचर ज़ीरो से वन डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाया जाए तो इसका वॉल्यूम पहले वॉल्यूम के वन ओवर टू सेवेंटी थ्री फ्रिक्शन के साथ इंक्रीज़ होगा और अगर टेम्परेचर ज़ीरो से लिस करके माइनस वन डिग्री सेंटीग्रेड किया जाए तो इसका वॉल्यूम वन ओवर टू सेवेंटी थ्री फ्रिक्शन से डिक्रीज होगा लेट सपोज़ करते हैं कि वॉल्यूम आई एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू वी नॉट। वॉल्यूम जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर वी नॉट के बराबर हैं वॉल्यूम एट वन डिग्री सेंटिग्रेड सेंटीग्रेड विल बी वी नॉट। यानी ये तो होगा ही होगा इसलिए कि ये तो ज़ीरो डिग्री सेंटीग्रेड वाला वॉल्यूम है अब इसमें जो इजाफा होगा वो बराबर होगा वन ओवर टू सेवेंटी थ्री ऑफ इट्स औरिजिनल वॉल्यूम। वॉल्यूम एट टू डिग्री सेंटीग्रेड विल बी इक्वल टू वी नॉट ये तो वही वॉल्यूम है जो जीरो पर बी था लेकिन अब जब टेम्परेचर टू तो डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया गया है तो अब हम लिख सकते हैं कि टू डिवाइडेड बाय टू थ्री टू वी नॉट इसी तरह से हम थ्री पर कर सकते हैं फोर और फाइव पर कर सकते हैं अनटेल एंड अनलेस वी से देट वॉलीम एट टी डिग्री सेंटीग्रेड। ये कोई भी टेम्परेचर हो सकता है इस पर जितना वॉल्यूम अब होगा वो होगा वी नॉट प्लस टी डिवाइडेड बाय 273 हंड्रेड एंड सेवेंटी थ्री वी नॉट। अगर हम वी नॉट को यहाँ पर कॉमन ले लें तो फिर वी टी विल बिकम इक्वल टू वी नॉट ये हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर वी नाट की जगह पर वन आ जाएगा प्लस हो जाएगा टी डिवाइडेड बाय टू सेवेंटी थ्री यहाँ लग जाएगा तो हमें एक सिंपल इक्वेशन हासिल होगा अब हम जानते हैं कि अगर इस स्टेज पर हम एल सी एम ले लेते हैं इन दो चीज़ों का यानी वन यहाँ पर वन और वन है और नीचे यहाँ पर डिनोमिनेटर में टू सेवेंटी थ्री है तो अगर इसका एल सी एम लिया जाए तो एल सी एम इसका टू सेवेंटी थ्री होता है टू सेवेंटी थ्री एल सी एम हो गया अब अगर हम टू सेवेंटी थ्री पर टू सेवेंटी थ्री को यहाँ पर वन पर डिवाइड करें तो टू सेवेंटी थ्री आंसर आ जाएगा और फिर वन से मल्टीप्लाई करें तो टू सेवेंटी थ्री हो जाएगा सिमिलरली अगर टू थ्री को टू सेवेंटी थ्री पर डिवाइड कर दिया जाए तो वन आंसर आएगा वन को टी से मल्टीप्लाई किया जाए तो टी आंसर आ जाएगा इसलिए ये बराबर होगा टू सेवेंटी थ्री प्लस टी डिडेड बाई टू सेवेंटी थ्री वी नो दैट केलवन टेम्परेचर इज इक्वल टू सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्लस टू हंड्रेड एंड सेवेंटी थ्री ये फार्मूला कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल हुआ करता है हम अगर केलवन टेम्परेचर को टी से कैपिटल टी से शो करें और सेंटीग्रेड टेम्परेचर को जो यहाँ पर भी हम कर रहे थे स्मॉल टी से शो करें यहाँ पर प्लस टू सेवेंटी थ्री लगा दें तो हमारा इक्वेशन बनता है केपिटल टी इज इक्वल टू स्मॉल टी प्लस टू सेवनटी थ्री वेयर टी इज अब्सोल्यूट टेम्परेचर पुट इन इक्वेशन नंबर वन अब हम ये जो टी प्लस टू सेवनटी थ्री की वीलिव है अब हम इसको इक्वेशन नंबर वन में पुट करते हैं तो देन इट बिकम्स वी टी इज इक्वल टू वी नॉट इन टू टी डिडेडड बाई टू सेवनटी थ्री अब वी नाट कांस्टेंट है क्योंकि ये ज़ीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर एक फिक्स्ड वॉल्यूम था 273 सेवेंटी भी कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए हम इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं तो ये हो जाएगा वी नाट डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाई बाय T अब चूंकि ये दोनों कांस्टेंट्स हैं तो बीच में से अगर हम कांस्टेंट को निकाल दें तो ये हो जाएगा वी टी एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर इन दोनों कांस्टेंट्स को हम एक सिंपल कांस्टेंट के साथ रिप्लेस रिप्लेस करें तो वी टी विल बी इक्वल टू के एन टू टी यही हमारा चार्ल्स लॉ है और यही उसकी एक स्टेटमेंट है कि जिसके मुताबिक कहते हैं कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर सो दिस इज़ आवर चार्ल्स लॉ थैंक यू वेरी मच होप यू अंडरस्टैंड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ये मत भूलिएगा सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें और आपकी कमेंट्स कोई भी हैं ज़रूर लिख दीजिए थैंक यू थैंक यू वेरी मच